हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इसके अंतर्गत जो सातवां प्रकार का जो परिपथ है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरण कुंडली L, संधारित्र C और प्रतिरोध ये तीनों उपस्थित हो। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें L, C और R तीनों उपस्थित हों या तीनों हों, हम यहाँ पर देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरण कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है, संधारित्र जिसकी धारिता C है और रेजिस्टेंस जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ये तीनों कंपोनेंट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि उपस्थित हों तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसका विद्युत परिपथ कैसे बनाते हैं। तो जब हम इसका विद्युत परिपथ तैयार करते हैं तो उस स्थिति में L, C और R को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उसको AC सोर्स के साथ जोड़ा जाता है। तो इसका पहले विद्युत परिपथ देख लीजिए, ये कुंडली या L का नोटेशन है, कुंडली ये संधारित्र का नोटेशन है और ये प्रतिरोध का नोटेशन है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, इसे L से डिनोट करेंगे, इसको C से और इसको R से। इसको हम AC सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, यह है हमारा AC। सपोज यहाँ पर किसी क्षण जो वोल्टेज का जो मान है वह V बराबर V0 साइन ओमेगा T के बराबर, ठीक है। तो इस दिशा में हम धारा के बहने की दिशा को दर्शाएंगे। अब यदि L के सिरों पर जो विभव है उसको हम VL से दर्शा रहे हैं, C के प्लेटों के बीच जो विभव है उसको VC से दर्शा रहे हैं और R के सिरों पर जो विभव है उसको हम VR से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें L, C और R तीनों उपस्थित हैं, ये इसका विद्युत परिपथ है। इसके बाद हम देखते हैं, माना किसी क्षण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण जो होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, यहां पर लिखे हैं V = V0 साइन ओमेगा टी से व्यक्त किया जाता है। तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर पहला। अब इसी क्षण या इसी समय परिपथ में बहने वाली धारा आई हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना है, V = V0 साइन ओमेगा टी। अब इसी समय जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो उस समय यदि परिपथ में जो बहने वाली धारा यदि आई हो तो उस स्थिति में हम यहाँ पर प्रत्येक जो कंपोनेंट्स हैं उसके सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे। पहले देखिए L के सिरों पर विभवांतर, L के सिरों पर विभवांतर का मान कितना होगा, इसको हम VL से डिनोट करेंगे, VL = I * XL। इसको हम समीकरण नंबर दूसरा दे देते हैं। इसके बाद C के प्लेटों के बीच विभवांतर या C के सिरों पर विभवांतर ऐसा लिख सकते हैं, इसका मान कैसे डिनोट करेंगे, VC से। VC बराबर कितना होगा, I * XC। इसको समीकरण नंबर तीन दे देते हैं। I प्रत्यावर्ती धारा है, XC क्या है, यहां पर धारिती प्रतिघात है।
उसके बाद फिर तथा आर के सिरों पर विभवांतर, आर के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, वी आर के बराबर डिनोट करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू आर के बराबर। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। तो इस प्रकार से हमने ये जो तीनों कंपोनेंट इसमें जुड़े हुए हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, इसके सिरों पर हमने विभवांतर के मान ज्ञात किए। अब यहां पर देखिए, हमने इससे पहले जितने भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ देखे हैं उसमें से जब यदि किसी विद्युत परिपथ में केवल L जुड़ा रहता है तो उस स्थिति में वहां पर जो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वह क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पश्चगामी होता है। जो धारा जो होता है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पश्चगामी होता है, और जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा होता है उसमें जो प्रत्यावर्ती जो धारा जो होती है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अग्रगामी होता है, और जिसमें केवल R जुड़ा रहता है उसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच कोई कलांतर नहीं होता। तो इसी को आधार मान करके हम यहां पर फेजर आरेख बनाएंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम, चूंकि विभवांतर, चूंकि V, R और I समान कला में होते हैं, और V, L, I से 90 अंश अग्रगामी तथा VC I से 90 अंश पश्चगामी होता है। इसके आधार पर हम यहां पर फेजर आरेख का निर्माण करेंगे। यहां पर स्पष्ट लिखा है, यहां पर क्या है, I और VR के बीच कोई कलांतर नहीं होता, अर्थात ये कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं। और जो VL जो होता है प्रेरण कुंडली के कारण या प्रेरकत्व के कारण जो विभवांतर का जो मान होता है वह धारा से कैसा होता है, 90 अंश अग्रगामी होता है, या दूसरे शब्दों में यहां पर बोल सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा VL से 90 अंश पश्चगामी होता है, तथा VC जो है वह I से कैसा होता है, 90 अंश पश्चगामी होता है, या इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, I VC से 90 अंश अग्रगामी होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम यहां पर फेजर आरेख बनाते हैं। हम इसका फेजर आरेख बनाते हैं। अब इस दिशा में देखिए, इधर यदि हम धारा को डिनोट करें, ये x एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, ये y, इधर y का ऋणात्मक, यदि हम x अक्ष की दिशा में धारा को दर्शाएं, सपोज इस दिशा में किसको दर्शाएं, धारा को दर्शाएं, तो वहां पर देखिए धारा और VR कैसे हैं, समान कला में, मतलब जिधर धारा की दिशा होगी उसी दिशा में किसकी दिशा होगी, VR की भी दिशा होगी। तो सपोज ये किसकी दिशा होगी, ये इस प्रकार से डिनोट कर रहे हैं, मतलब धारा और जो VR है ये कैसे हैं, समान कला में। इसके बाद देखिए आगे, VL I से 90 अंश अग्रगामी है, तो VL I से 90 अंश अग्रगामी मतलब I इधर है तो 90 अंश अग्रगामी इस दिशा में, इस दिशा में ये क्या को डिनोट करेगा, सॉरी ये डिनोट करेगा VL को, ठीक है ना, कैसा है ये, 90 अंश अग्रगामी है। इसके बाद देखिए आगे, VC I से 90 अंश पश्चगामी होता है, I से पीछे मतलब इधर, इस दिशा में क्या होगा, VC, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा था प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल L और C ये दोनों होते हैं, तो उस स्थिति में VL और VC का परिणामी जो होता है किधर डिनोट होता है, इस दिशा में दर्शाते हैं इसको,
और इस दिशा में इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है वी एल डिफरेंस वी सी के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों का परिणाम ही कितना हुआ, वी एल और वी एल माइनस वी सी। तो कुल मिलाकर के वी एल वी सी और वी आर इन तीनों का परिणाम ही किधर मिलेगा हमको, यहां पर एक आयत का निर्माण करेंगे हम इस प्रकार से, इस आयत के विकर्ण के अनुदिश होगा इस दिशा में, ये किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए V और I के बीच कलांतर किसको बोलेंगे, ये जो कोण बनेगा वह V और I के बीच कलांतर कहलाएगा, और इसको हम कहां से नोट करते हैं, फाई से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से इसका फेजर आरेख बनेगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं परिणामी वोल्टेज का मान, परिणामी वोल्टेज का मान किसके आधार पर ज्ञात करेंगे, फेजर आरेख के आधार पर। तो देखिए यहां पर परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज का मान अपन यहां पर देखते हैं, या इसी को अपन परिणामी विभवांतर भी कह देते हैं। यहां पर देखिए VL VC और VR का परिणामी V हो तो यदि VL, VC और VR का परिणामी हम कायदे डिनोट करें, V से डिनोट करें, तो उस स्थिति में फेजर आरेख से देखिए तो फेजर आरेख से अब यहां पर कितना हो जाएगा, V का वर्ग बराबर VR का वर्ग धन VL माइनस VC। ये डिफरेंस है या माइनस है, एक ही मतलब है। डिफरेंस यहां पर क्यों लिख रहे हैं, जो भी मान बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाया जाता है, इसलिए यहां पर डिफरेंस लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में फेजर आरेख से कितना हो जाएगा, V का वर्ग इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। डिफरेंस के स्थान पर अपन माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस लिख दिए यहां पर, या इसी को आगे लिख सकते हैं V का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का मान कितना था, I इंटू R पूरे का स्क्वायर प्लस VL का मान कितना है, I इंटू XL माइनस VC का मान है I इंटू XC इस पूरे का वर्ग। या इसी को हम आगे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, V का स्क्वायर, दोनों जगह I का वर्ग कॉमन निकल रहा है तो I का वर्ग कॉमन निकाल दीजिए, यहां पर बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर। ठीक है, या इसी को आगे हम लिख सकते हैं V बराबर कितना, V बराबर इधर वर्गमूल हो जाएगा तो I के वर्ग का वर्गमूल I के बराबर मिलेगा, और यहां पर मिलेगा R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर पांचवा। तो जो समीकरण नंबर जो पांच है यह इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए परिणामी वोल्टेज के सूत्र को व्यक्त करता है, और इसका मान कितना होता है, V इज इक्वल टू I वर्गमूल के अंदर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट है यहां पर। ठीक है, हमको पता है XL बराबर कितना होता है, अब यहां पर मान रख देते हैं, एक और सूत्र मिलेगा यहां पर, XL और XC का मान रखेंगे तो XL इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू L, और XC इक्वल टू होता है 1 अपान ओमेगा C। इस मान को रख देंगे तो कितना मिल जाएगा, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या V इज इक्वल टू I रूट R स्क्वायर प्लस XL का मान रखेंगे कितना, ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C पूरे का स्क्वायर।
तो इस सूत्र से भी हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज के जो परिणामी जो वोल्टेज है उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। V बराबर कितना होगा, I रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस वन अपान ओमेगा सी का स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब ये तो हो गया परिणामी वोल्टेज। अब परिणामी वोल्टेज के बाद हम याद करते हैं यहां पर प्रतिबाधा। परिणामी वोल्टेज के बाद याद करते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को कहां से डिनोट करते हैं, जेड से। और जेड क्या होता है, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध। इस परिपथ के कुल प्रतिरोध को हम जेड से व्यक्त करते हैं। तो यहां पर देखिए समीकरण नंबर जो हमारा था पांच, समीकरण पांच से देखिए यहां से हमको मिलता है V बटे आई इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये प्राप्त हो रहा है, इसकी तुलना हम कहां से करते हैं, ओम के नियम से। इसकी तुलना ओम के नियम V बटे आई इज इक्वल टू आर से करने पर इस समीकरण की जो तुलना है हम किससे करते हैं, ओम का नियम V बटे I इज इक्वल टू आर से करते हैं। तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध या प्रतिबाधा Z बराबर कितना मिलेगा, तो जेड बराबर यहां पर मिलेगा, कंपेयर कीजिए तो ये पूरा जेड के बराबर मिलेगा। तो जेड बराबर मिलता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया प्रतिबाधा के लिए फार्मूला। इसको नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दे देते हैं पांचों के बाद, ये छठो इक्वेशन नंबर सिक्स। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबाधा के लिए सूत्र, या इस प्रतिबाधा के सूत्र को हम यहां पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्सएल और एक्ससी का मान रखेंगे तो इसी को हम इधर आगे लिखते हैं। या इसी को लिखेंगे जेड इक्वल टू रूट आर का वर्ग प्लस ओमेगा एल माइनस एक बटे ओमेगा सी पूरे का वर्ग का वर्गमूल। इस सूत्र की सहायता से भी हम प्रतिबाधा को जान सकते हैं, या जेड बराबर होता है ये, या वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिबाधा। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिबाधा के बाद यहां पर कलांतर का मान ज्ञात करते हैं। कलांतर का मान कहां से हमको मिलेगा, इस फेजर आरेख से। इसके बाद देखते हैं कलांतर। कलांतर जिसको हम काय से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई का मान हम कहां से ज्ञात करेंगे, फेजर आरेख से। तो यहां पर देखिए फेजर आरेख से, फेजर आरेख से देखिए यहां पर V और I के बीच कलांतर कितना है, फाई के बराबर है। तो फेजर आरेख से देखिए यहां पर टेन फाई का मान कितना होगा, टेन फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये कितना हो जाएगा, लंब का मान कितना है, ये वाला लंब है, तो VL डिफरेंस VC या VL माइनस VC। तो ये हो गया VL माइनस
वी सी बटे आधार का मान कितना है, वी आर के बराबर है, तो इसको वी आर के बराबर लिख देते हैं। अब या इसी को हम आगे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, टेन फाइव इज इक्वल टू वी एल का मान कितना है आई इंटू एक्स एल माइनस वी सी का मान कितना है आई इंटू एक्स सी पूरे का बटे आई इंटू आर। अब यहां पर देखिए इसी को हम आगे लिख सकते हैं टेन फाइव इज इक्वल टू, यहां पर ऊपर में आई कॉमन निकल रहा है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। या इसी को हम आगे लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू टेन को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो टेन का इनवर्स हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेवन, और इक्वेशन नंबर सेवन में हम एक्स एल और एक्स सी का मान रख करके भी लिख सकते हैं, तो उसको हम कैसा लिखेंगे या इसी को हम लिख सकते हैं तो इसी को लिख दीजिए या फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स मान रख दीजिए एक्सएल का मान ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी पूरे का बटे आर। हम कलांतर को इस सूत्र की सहायता से भी लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा कलांतर। ठीक है, तो ये कलांतर के लिए जो फार्मूला है वह है फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। इसी को हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी बटे आर। अब हम इसके बाद देखते हैं धारा के लिए व्यंजक। इसके बाद देखते हैं धारा का व्यंजक। धारा का व्यंजक हम किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, फेजर आरेख की सहायता से। तो यहां पर देखिए फेजर आरेख से हम धारा का मान देखिए यहां पर प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कैसा है पश्चगामी, कितना पश्चगामी है फाई कलांतर। तो हम इसको धारा के समीकरण को कैसा लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इस प्रकार से हम धारा के समीकरण को दर्शा सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा आठवां। अब यहां पर देखिए यहां फाई कलांतर है, फाई कलांतर है और इसका मान किसके बराबर है टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी बटे आर के बराबर। इसका मान किसके बराबर है फाई का मान टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी बटे आर के बराबर है, तथा आई जीरो को क्या बोलते हैं धारा का शिखर मान, ये शिखर मान है और इसका मान बराबर होता है वी जीरो बटे जेड के, या इसी को हम लिख सकते हैं इसका मान किसके बराबर होगा। जेड का मान हमने कितना निकाला था, जेड इक्वल टू वर्गमूल आर स्क्वेयर प्लस एक्स ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी पूरे का स्क्वेयर, यहां पर इसका वर्गमूल।
तो इस प्रकार से जो इक्वेशन नंबर जो 8 है, यह धारा के व्यंजक का सूत्र है। ये मतलब धारा का व्यंजक है I इक्वल टू I जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये था यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें L, C और R तीनों हों, उसके लिए हमने यहाँ पर देखा परिणामी वोल्टेज का मान कितना होता है, परिणामी विभवांतर का मान कितना होता है, प्रतिबाधा का मान कितना होता है, प्रतिबाधा निकाले, फेजर आरेख भी देखा, कलांतर देखे और धारा का व्यंजक देखे। अब यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियाँ हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियाँ, देखिए पहले चूंकि हमने निकाला है फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस एक बटे ओमेगा सी पूरे का बटे आर। ये हमारा कलांतर का मान है, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी बटे आर। यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियाँ हैं, देख लेते हैं इसको। विशेष स्थितियाँ, इसमें पहली स्थिति देखते हैं। पहला, यदि ओमेगा एल का मान बड़ा हो एक बटे ओमेगा सी से, ये काहे का नोटेशन है, बड़ा हो का नोटेशन है। यदि ओमेगा एल का मान एक बटे ओमेगा सी से बड़ा हो, या दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, ये प्रेरण प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात का मान धारिती प्रतिघात से यदि बड़ा हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, कलांतर कैसा हो जाएगा, कलांतर का मान धनात्मक मिलेगा, ये बड़ा है और ये छोटा है तो धनात्मक मान बटे आर, मतलब फाई का मान कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलता है। और जब फाई का मान धनात्मक मिलता है तो उस स्थिति में जो वोल्टेज जो होता है वह धारा के कैसा होता है, अग्रगामी होता है, वोल्टेज आई के अग्रगामी होता है। अर्थात यदि ओमेगा एल इज ग्रेटर देन वन अपॉन ओमेगा सी तो फाई का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना, और वोल्टेज आई से अग्रगामी होता है, वोल्टेज आई से अग्रगामी होता है। इसके बाद दूसरी स्थिति, यदि अब यहां पर ओमेगा एल छोटा है एक बटे ओमेगा सी से, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ओमेगा एल यदि एक बटे ओमेगा सी से छोटा हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या मिलेगा, ऊपर में ऋणात्मक, मतलब पूरा फाई कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो फाई का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और इस स्थिति में वी आई से कैसा हो जाता है, पश्चगामी हो जाता है। अर्थात दूसरी स्थिति, यदि ओमेगा एल इज लेस देन वन अपॉन ओमेगा सी तो उस स्थिति में फाई का मान ऋणात्मक होता है और जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वह प्रत्यावर्ती धारा से पश्चगामी होता है। इसके बाद तीसरी स्थिति है, यदि ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, इस स्थिति में अब क्या होगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, यहां पर देखिए इस स्थिति में फाई का मान कितना मिलेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो बटे आर, टेन इनवर्स जीरो मतलब फाई का मान जीरो मिलेगा, तो फाई इज इक्वल टू जीरो। इस स्थिति में जब फाई का मान कैसा मिलता है, फाई का मान कैसा मिलता है, जीरो के बराबर, तो इस स्थिति में वी और आई दोनों कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं। यहां पर हम बोलते हैं वी और आई कैसे हैं, समान कला में। तो ये तीन स्थितियां हैं। यहां पर ये जो तीसरी स्थिति है इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। यहां पर देखिए ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, तो इस स्थिति में पाई का मान कितना है, जीरो है,
और वी और आई कैसे हैं, समान कला में हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा जो जेड का जो मान है, जेड का मान कितना है, यहां पर देखिए इसके बाद देखिए, चूंकि फाई का मान जीरो है अतः जेड का मान कितना मिल जाएगा, जेड का मान भी हमको किसके बराबर मिलेगा, हमारे पास है चूंकि जेड बराबर कितना है आर का वर्ग प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी पूरे का वर्ग, ऐसा है तो उस स्थिति में क्या मिल जाएगा, यहां पर लिखिए चूंकि जेड बराबर कितना है वर्गमूल आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, तो यहां से हमको कितना मिल जाएगा, जेड बराबर आर का स्क्वायर प्लस ये पूरा जीरो हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं जेड बराबर आर। इस स्थिति में जेड का मान कैसा होता है, इस स्थिति में जेड का मान आर होता है, और आर कैसा होता है, न्यूनतम होता है, और जब आर का मान न्यूनतम होता है मतलब यहां पर परिपथ की जो प्रतिबाधा है वह न्यूनतम है, तो उस स्थिति में यहां पर धारा का मान अब कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर रुकावट कैसा है, न्यूनतम है, तो इस स्थिति में धारा का मान अधिकतम हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं अनुनादी स्थिति। अतः यहां लिख सकते हैं, अतः धारा का मान अधिकतम होगा, और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अनुनादी स्थिति, ये स्थिति कहलाती है अनुनादी स्थिति। तो ये था प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें एल सी और आर तीनों हो, उससे संबंधित यहां पर विद्युत परिपथ हमने देखा, फेजर आरेख, परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा, कलांतर और फिर धारा का व्यंजक। अब हम यहां पर कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न देख लेते हैं, आंकिक प्रश्न। कुछ आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न लिखिए, प्रश्न पहला, यदि वी आर बराबर 80 वोल्ट, वी सी बराबर 100 वोल्ट तथा वी एल बराबर 40 वोल्ट हो तो प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज की गणना कीजिए। अब इसका हल देखिए, यहां पर किसका किसका मान दिया है, वी आर का मान दिया है, वी सी का मान दिया है और वी एल का मान दिया है, और हमको क्या ज्ञात करना है, प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टेज है वी का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसके आधार पर यहां पर जो सूत्र लगेगा वह सूत्र कौन सा होगा, वी का जो फार्मूला है, क्योंकि यहां पर कैसा परिपथ है, एल सी आर परिपथ है, वी आर का भी मान दिया है, वी सी का मान भी दिया है, वी एल का भी मान दिया है, का मतलब यहां पर कौन सा परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एल सी आर। इसलिए यहां पर जो सूत्र होगा कौन सा सूत्र होगा, एल सी आर परिपथ के लिए जो वोल्टेज का फार्मूला है, वी का वर्ग बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहां पर यूज होगा। तो ये यहां पर क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए, पहले दिया है
वी आर बराबर 80 वोल्ट, वी सी बराबर 100 वोल्ट और वी एल बराबर ये दिया है 40 वोल्ट। सूत्र में मान रखते हैं, अतः V का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, वी आर का वर्ग 80 का वर्ग धन वी एल का मान कितना है 40 माइनस वी सी का मान कितना है 100 इसका वर्ग। ये कितना मिल जाएगा हमको, ये मिल जाता है हमको V कवर इज इक्वल टू 80 कवर कितना हो जाएगा 6400, ठीक है, प्लस 40 में 100 गया कितना हो गया 60 कवर कितना होगा 3600। तो ये हो जाता है V कवर बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10000, या V बराबर कितना हो जाएगा 10000 का वर्गमूल, इसलिए V का मान मिलेगा 10000 का जो वर्गमूल होता है 100 वोल्ट के बराबर। ये हमारा आंसर। तो यहां पर देखिए, इस प्रश्न में हमको पूछा था प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज की गणना करने के लिए, और प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज का मान कितना मिलेगा, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट के बराबर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। एक प्रश्न और है, इसको देख लीजिए, प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा लिखिए, एक श्रेणी एल सी आर परिपथ के सिरों पर दो सौ वोल्ट का प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया गया है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात परिपथ में प्रेरण प्रतिघात 50 ओम धारितीय प्रतिघात इसका मान दिया है 50 ओम, ओमीय प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध दिया है 10 ओम। तो हमको यहां पर परिपथ की प्रतिबाधा, यहां पर दो तीन क्वेश्चन एक साथ दिया है, परिपथ की प्रति बाधा तथा L व R के सिरों पर अलग अलग विभवांतर विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, बड़ा प्रश्न है यहां पर। देखिए, यहां पर एक साथ तीन क्वेश्चन पूछा गया है। एक श्रेणी एलसीआर परिपथ है, उसके सिरों पर जो एलसीआर परिपथ के जो सिरों पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया है वह 200 वोल्ट का है, और परिपथ में जो प्रेरण प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात मतलब एक्सएल का मान दिया है यहां पर 50 ओम, धारिती प्रतिघात एक्स सी का मान दिया है 50 ओम, ओमी प्रतिरोध आर का मान दिया है 10 ओम। तो हमको यहां पर क्या ज्ञात करना है, परिपथ की प्रतिबाधा मतलब जेड का मान ज्ञात करना है, साथ ही साथ
एल और आर के सिरों पर अलग अलग विभवांतर की गणना करना है। एल के सिरों पर विभवांतर कितना होता है, वी एल के बराबर होता है, तो वी एल का मान निकालेंगे, और आर के सिरों पर जो विभवांतर जो होता है वह वी आर के बराबर होता है, तो वी आर का मान भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका हल देखते हैं। तो हल में देखिए सबसे पहले क्या क्या है दिया है उसको लिख लीजिए, क्या क्या दिया है उसको लिख लो। दिया है x प्रेरण प्रतिघात एक्स एल बराबर 50 ओम, धारिती प्रतिघात एक्स सी बराबर 50 ओम, और r बराबर कितना दिया है 10 ओम। तो ये तीन चीजें हमको यहां पर दी गई हैं इसकी सहायता से, और साथ ही साथ दिया है वोल्टेज का मान, कुल जो वोल्टेज है V बराबर कितना दिया है 200 वोल्ट। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, हमको ज्ञात क्या क्या करना है, Z का मान ज्ञात करना है, VL का मान कितना होगा ज्ञात करना है, और VR का मान कितना होगा उसको ज्ञात करना है। तीन चीजें हमको यहां पर ज्ञात करनी है, परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान, L के सिरों पर विभवांतर VL का मान, और R के सिरों पर विभवांतर VR का मान। इतनी सारी चीजें हमको यहां पर ज्ञात करनी। तो देखिए अब यहां पर सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। सूत्र क्या है, सूत्र कितना होता है, Z इक्वल टू रूट आर का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। यहां पर मान रख दीजिए तो Z का मान मिल जाएगा, Z बराबर कितना मिलेगा, R का मान कितना दिया है 10, तो 10 का वर्ग धन, XL का मान कितना दिया है 50, माइनस XC का मान भी दिया है 50, तो 50 माइनस 50 जीरो हो जाएगा, तो Z बराबर कितना मिल जाएगा रूट 100, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 ओम। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो गई 10 ओम के बराबर। इसके बाद हम याद करेंगे यहां पर L और R के सिरों पर अलग अलग विभवांतर की गणना। इसके बाद दूसरा देखिए, L के सिरों पर विभवांतर, अब हम क्या निकालेंगे, L के सिरों पर विभवांतर, इसका क्या फार्मूला होता है, VL is equal to I into XL, XL का मान हमको यहां पर दिया है 50 ओम, लेकिन I का मान हमको पता नहीं है, तो I का मान निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि I बराबर होता है V बटे Z, I बराबर कितना होता है V बटे Z, तो यहां से हमको कितना मिल जाएगा, I का मान, V का मान है 200, और Z का मान अभी हमने निकाला है 10 के बराबर, तो ये मिल जाता है 20 एम्पियर। I का मान कितना निकला 20 एम्पियर के बराबर। तो इसके आधार पर हम VL का मान ज्ञात करेंगे। प्रश्न को अब यहां मिटा देते हैं, इधर बनाते हैं। ये कितना हो जाएगा, VL बराबर I का मान हो गया 20 एम्पियर गुणित XL का मान कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 1000 वोल्ट। इसका मान कितना मिलेगा 1000 वोल्ट के बराबर। उसके बाद तीसरा प्रश्न था, किसके सिरों पर विभवांतर, R के सिरों पर विभवांतर। तो R के सिरों पर विभवांतर कितना होता है VR के बराबर, VR बराबर कितना होता है I इंटू आर, तो यहां से मिल जाएगा VR बराबर I का मान है हमारे पास 20 गुणित R का मान कितना है 10, तो ये मिल जाएगा
20 दहम 200 वोल्ट, इसका मान कितना मिलेगा 200 वोल्ट। तो ये हमारा एक उत्तर हो गया, एक आंसर यहां पर मिल गया और प्रतिबाधा निकाला गया था, एक आंसर यहां पर मिल गया। तो हमारे पास इस प्रश्न में एक साथ तीन क्वेश्चन थे, प्रतिबाधा निकालना था, L के सिरों पर विभवांतर निकालना था, इतना मिला, और R के सिरों पर भी विभवांतर का गणना करना था, वो कितना मिला 200 वोल्ट के बराबर। तो इस प्रकार से हमने अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से संबंधित सातों प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में देखा है। इसके बाद अगली कक्षा में हम अनुनादी जो परिपथ जो होता है उसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।